मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम गुणनखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुणनखंड क्या होता है, सारा गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। सबसे पहले तो गुणनखंड को समझे, जिसको अंग्रेजी में फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर्स गुणनखंड। गुणनखंड वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। ध्यान से समझें, पूरा पूरा भाग कर दे। एक संख्या के वो सारे गुणनखंड होते हैं जो संख्याएं उस संख्या को पूरा पूरा भाग कर देते हैं। पूरा पूरा भाग करने का मतलब क्या होता है कि शेष क्या बचे, शून्य बचे। जैसे यदि मैं 12 के गुणनखंड की बात करूं कि 12 को कौन कौन सी संख्या भाग पूरा पूरा भाग दे देगी, तो वो 1 है जो पूरा पूरा भाग दे देगी, और 2 भी पूरा पूरा भाग दे देगी, 3 भी, 4 भी, 6 भी और 12 भी। तो ये हमारे पास 12 के गुणनखंड आ गए हैं, ठीक है ना। और देख लें, 16 को देख लें। 16 को कौन कौन सी संख्या पूरा पूरा भाग कर देगी, 1 कर देती है, 2 कर देती है, 4, 8 और खुद 16। और देख लें 15 के लिए, देख लें 15 को कौन कौन सी संख्या पूरा भाग कर देगी, 1, 3, 5 और खुद 15 भी करेगी। या मैं 5 की बात करूं, 5 को कौन कौन किस संख्या पूरा भाग करेंगे, एक करेगी और एक 5 करेगी। यहां ध्यान से आप इसको समझें। अब और कोई संख्या इनको भाग नहीं कर पा रही है, तो 12 के गुणनखंड ये हो गए, 16 के गुणनखंड ये हो गए, 15 के गुणनखंड ये हो गए और 5 के गुणनखंड ये हो गए। गुणनखंडों में एक चीज ध्यान रखिए, जो पहली संख्या हमारे पास सब की आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। अर्थात जो संख्या 1 है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, ठीक है ना, प्रत्येक संख्या गुणनखंड है। और आखिरी संख्या यदि हर उसकी हम देखें, आखिरी वाली देखें, ये यही है। देखो 12 है, 16 है, 15 है और 5। अर्थात जो संख्या है वो खुद का भी एक गुणनखंड होती है, समय का गुणनखंड संख्या होती है, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर ध्यान से देखें कि 12 के गुणनखंड या तो 12 है या इससे छोटे हैं, 16 के गुणनखंड या 16 है या इससे छोटे हैं, 15 के गुणनखंड या 15 है या इससे छोटी संख्या है, या 5 के गुणनखंड भी या 5 है या इससे छोटी संख्या हमें दिखाई देगी। अर्थात किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के समान या उससे छोटी संख्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास गुणनखंड हो गए। अब सारा गुणनखंड की बात जब आती है, सारा गुणनखंड हमेशा कम से कम 2 संख्याओं के बीच में ज्ञात किया जा सकता है। 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कम से कम 2। यदि मैं 12 और 16 के सारा गुणनखंड की बात करूं, 12 और 16 के सारा गुणनखंड, तो हमारे पास क्या आता है जो दोनों में है, 1 है, और क्या है, 2 भी है, और क्या है, 4 है, और तो दोनों में नहीं है कोई भी, कोई भी और दोनों में नहीं है। तो 12 और 16 के सारे गुणनखंड 1, 2 और 4 हमारे पास आ गए। यदि मैं 15 और 16 की बात करूं, देखो इन दोनों के सारे गुणनखंड की बात करूं, तो इन दोनों में देखिए कौन सी संख्या जो दोनों में है, 1 है, और कोई भी संख्या दोनों में नहीं है। तो 15 और 16 का सारे गुणनखंड 1 हो गया। और जिन संख्याओं का सारे गुणनखंड 1 होता है, संख्या 1 होती है, वह सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अर्थात 15 और 16 क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सारा गुणनखंड की बात होगी। अब सारा गुणनखंड और गुणनखंड से संबंधित एक और संख्या हमारे पास आती है, आ सकती है, ध्यान रहे, संपूर्ण संख्या। अब संपूर्ण संख्या क्या होती है, तो हमने पहली बार नाम सुना है, संपूर्ण कोण तो सुना था 360 डिग्री का। संपूर्ण संख्या क्या होगी, संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का जोड़, ध्यान से सुने, जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या से दुगुना होता है, दो गुना होता है। जैसे मैं 6 के गुणनखंड लाऊंगा, तो 6 का गुणनखंड 1, 2, 3 और खुद 6, इन सारी संख्याओं से 6 पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो अब इनका यदि जोड़ करें सभी का, देखो 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12 है, 12 जोड़ बना है जो 6 का दुगुना है, तो संपूर्ण संख्या हमारे पास 6 है, और 6 सबसे छोटी संपूर्ण संख्या है। इसके बाद और भी संपूर्ण संख्याएं होती हैं। संपूर्ण संख्या समझ गए ना, कि जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का जोड़ उस संख्या का दुगुना होता है, उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड
वो गुणनखंड। देखो अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, जैसे 5 है, जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, इसके दो गुणनखंड है, एक तो खुद वही संख्या और एक एक, एक तो अर्धसंख्या गुणनखंड होता है, तो जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हमारे पास अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार चलती ही रहती हैं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। अब किसी संख्या के प्राइम फैक्टर इनमें से बनाने हैं, मान लो 12 है। अब प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड हमेशा गुणा के रूप में हम लिखते हैं, गुणा के रूप में लिख के 12 हमें बनाना है, तो हमारे पास आता है 2 × 2 × 3, जिसको हम इस प्रकार निकालते हैं कि 2 से भाग हो जाएगा 6, 2 से 3 और 3 से 1, 2 × 4 = 12, तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं। यदि मुझे 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हों तो 16 के 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, तो 16 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ गए हैं, 2 × 2 × 2 × 2, तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड से संबंधित, सार्वगुणनखंड से संबंधित, अभाज्य गुणनखंड से संबंधित और संपूर्ण संख्या जो महत्वपूर्ण संख्या है, आशा है आपको ये सारे बिंदु अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।